गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सभी कौन सी कक्षा में हो? दूसरी कक्षा में हो, और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है ना? हाँ, तो अभी कुछ हम पढ़ाई करेंगे। हाँ, आज हम आई की मात्रा की पहचान करने वाले हैं, जो कि हमारा पाठ है नौवा। ठीक है, ये हमारा नौ नंबर का पाठ है। और ये कौन सी मात्रा है हमारी? आई की मात्रा, यानी कि इस प्रकार इसके ऊपर कितनी मात्राएं आएंगी? अभी दो मात्राएं आएंगी। ठीक है, एक की मात्रा में हमने क्या देखा? एक ही मात्रा आती है। हाँ, अभी हमें ऊपर कितनी मात्राएं लिखनी है? दो मात्राएं लिखनी है। हम मात्राएं इसी प्रकार लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, हम मात्राएं इस प्रकार भी की तरह बिल्कुल लिखने वाले नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे इस प्रकार से क्या करते हैं? मात्रा देते हैं। तो ये क्या हो गया है? गलत। तो हमारा इसी प्रकार से मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, वर्णों के ऊपर हम इसी प्रकार से एक ही बाजू में मात्रा देंगे, ना कि इस प्रकार भी की तरह। ठीक है, हाँ। तो अभी हमारा आप पेज नंबर देखो, हमारा 50 पेज नंबर है। अभी आज आपके पास ये बुक है, रोली है ना? हाँ, इसमें से आप पेज नंबर निकालो 5050, यानी कि 50 नंबर पे देखो, हमारा पाठ है नौवा, और आई की मात्रा की आज हम पहचान करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चित्र है ऐनक का। तो ऐनक यह शब्द आई इस वर्ण से शुरू होता है ना? हाँ, उसके बाद है ऐरावत, और यह भी शब्द आई वर्ण से शुरू होता है। हाँ हाँ, उसके बाद का चित्र है बैल का। बैल यानी कि आपको मालूम है ऑक्स, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्स। हाँ, तो ये बैल है। तो ये बैल इस शब्द में ब वर्ण को आई की मात्रा लगाई है। ठीक है, तो ये बन गया बैल। उसके बाद का चित्र है सैनिक का। हाँ, तो ये सैनिक शब्द में स वर्ण के ऊपर ऐ की मात्रा लगाई है। हाँ, दो मात्राएं आती है, तो ये बन गया शब्द कौन सा? सैनिक। इसी प्रकार हमें यहाँ पे कुछ लगभग 20 शब्द दिए हुए हैं, तो ये 20 शब्दों को हमें अच्छे से लिखना है अपने कॉपी में। पर इससे पहले हम क्या लिखने वाले हैं कि वर्णों को यह मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। तो बच्चों देखो, यदि क वर्ण को हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कई। ख को ऐ की मात्रा लगाने पर ये बन जाएगा खई। ग को ऐ की मात्रा लगाने पर ये बन जाएगा गई। घ को मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा घई। च को ऐ की मात्रा लगाने पर ये बन जाएगा चई। छ से श्र तक ऐ की मात्रा लगाओ। ये आपका क्या है? होमवर्क। तो आप क से लेकर च तक मैंने आपको यहाँ पे ऐ की मात्रा लगा कर दिखाई है ना? हाँ, तो अभी आपको छ वर्ण से लेकर श्र तक ऐ की मात्रा लगानी है। ठीक है बच्चों? हाँ, और आपको पेंसिल से अपने नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में ये सब लिखना है। हाँ, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं बोल बोल कर पढ़ो। ये जो लगभग कितने शब्द है? 20 शब्द है। कितने शब्द है? 20। तो पहला शब्द कौन सा है हमारा? देखो, तो पहला शब्द है हमारा से। कौन सा शब्द है हमारा? से। तो स स वर्ण को ऐ की मात्रा लगाई हुई है, और उसके बाद आता है र, तो ये बन गया से। यदि त वर्ण को ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया तैर। इसी प्रकार हमें सैर, तैर, गैस, फैल, पैसा, जैसा, भैया,
नैया, इस प्रकार से आठ शब्द मिलते हैं जो कि दो वर्णों के हैं। इसमें दो ही वर्ण है, देखो स वर्ण है और र, एक दो, इसमें दो वर्ण ही है सभी शब्दों में। हाँ, और इसके ऊपर कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है, ये मात्रा है, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ो अच्छे से, देखो सैर, तैर, गैस, फैल, पैसा, जैसा, भैया, नैया, ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके बाद के जो शब्द है ये देखो, ये सभी शब्दों 9 से लेकर 16 तक तीन वर्ण के हैं, ठीक है। तो पहला शब्द है पैदल, इसमें प, द और ल, ये तीन वर्ण है। हाँ, तो ये प को ऐ की मात्रा लगाई है, तो ये शब्द कैसा बन गया? पैदल। ये कौन सा शब्द बन गया? पैदल। उसके बाद बैठ, डकैत, लठैत, दैनिक, नैतिक, कैमरा और विशेला, ऐसे ये 9 से लेकर 16 तक तीन वर्णों के शब्द है। कितने वर्णों के शब्द है? तीन वर्णों के शब्द है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड। तो इसके आगे अब हम जाएंगे, तो यदि आप देखोगे तो 17 से लेकर 20 तक, यानी कि ये चार शब्द जो है ये चार वर्णों के हैं। हाँ, तो यहाँ पे कितने वर्ण है देखो, ब एक, ल दो, गा तीन और डी चार, तो ये चार वर्ण हैं। यहाँ पे ग और ड, ये तीन और चार वर्ण, यानी कि यहाँ पे इस शब्द में चार वर्ण हैं। तो ये शब्द अभी आपको पढ़ने को आ रहा है, देखो क्या है, ब, ब के ऊपर कौन सी मात्रा? ऐ की मात्रा, तो ये बन गया बैल। उसके बाद ल, बैल, ग को हमने आ की मात्रा लगाई है तो ये बन गया गा, बैल गा, और ड को हमने बड़े ई की मात्रा लगाई हुई है तो ये बन गई डी। तो अभी शब्द कौन सा बन गया बच्चों, देखो बैल गाड़ी। वेरी गुड, बैल गाड़ी। उसी प्रकार न के ऊपर आई की मात्रा, नई नी ता ल, नई नी ताल। हाँ, उसके बाद का शब्द है पैराशूट, पैराशूट। उसके बाद खपरेल, कौन सा शब्द है? खपरेल, कौन सा शब्द है बच्चों? खपरेल, ठीक है। तो अभी ये चार वर्णों के शब्द हैं, तो एक से लेकर 20 तक हमने शब्द अच्छे से देखे हैं। उसमें दो वर्ण के शब्द है, तीन वर्ण के शब्द है और चार वर्ण के शब्द है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आप अच्छे से ध्यान में ले लो कि आपको ऐ की मात्रा किधर लगानी है और किस प्रकार लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको यहाँ पे ये शब्द दिखाई देंगे, कौन से पेज पर? 50 पेज पर, ये देखो 5050, ठीक है। हाँ, इसके आगे अब हम जाने वाले हैं, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉपी में आपको किस प्रकार लिखना है। ये देखो, यहाँ इस प्रकार आपके पास बुक होगी, नोटबुक होगी, है ना, तो इस नोटबुक में आपको इस प्रकार अच्छे हस्ताक्षर में ये लिखना है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये देखो इस प्रकार, ठीक है। हाँ, तो इसके आगे अब हम जाने वाले हैं, तो इसके आगे हम क्या करने वाले हैं आपको मालूम है? हाँ, तो हम आज एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम क्या है देखो, देखो आपके हाथ में बुक ले लो ये सब। हाँ, सभी के हाथ में ये बुक है अभी। वेरी गुड, तो हमारा पेज नंबर है 51, और आपकी उंगली कहाँ पे होनी चाहिए? बुक
पे होनी चाहिए। हाँ, तो ये कहानी मैं आपको पढ़कर अभी सुनाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान दो। हाँ चलो, अब हम ये कहानी पढ़ेंगे। हमारे कहानी का नाम क्या है? सैर पर गई नैना, यानी कि नैना नामक छोटी सी बच्ची है आपकी तरह, और वो कहाँ गई? सैर पर गई। सैर यानी कि वो पिकनिक पे गई है, ठीक है, घूमने गई है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको तीन चित्र दिखाई देंगे। तो पहले चित्र में क्या है देखो, उस नैना के साथ एक छोटा सा क्या है, लड़का है ना। हाँ, और यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के ऊपर कौन बैठी है? एक पंछी बैठा हुआ है। और यहाँ पे ये गाय घास चर रही है, गाय है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ये सूरज है। कितना मनोहर दृश्य है, अच्छा दृश्य है, सुंदर है ना। हाँ, उसके बाद दूसरे चित्र में क्या दिखाई देता है कि नैना के साथ वो छोटा जो लड़का है उसका हाथ पकड़कर वो चल रही है। हाँ, और तीसरे चित्र में आपको क्या दिखाई देता है कि ये पंछी जो पेड़ पर बैठा हुआ था वो ब्र से उड़ गया। तो वो नैना है, वो उस लड़के को कुछ कह रही है, और उसने हाथ से कुछ ऊपर पेड़ के ऊपर फेंका है। तो अभी हम ये जब कहानी पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि इस कहानी में क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अभी मैं ये कहानी आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? किताब में होना चाहिए, और आपकी उंगली यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो हमारे कहानी का नाम है सैर पर गई नैना। ठीक है, तो देखो बच्चों, नैना सैर करने गई, उसका भैया भी साथ गया। यानी कि ये जो छोटा बच्चा है, छोटा लड़का, मैंने बताया ये उसका, नैना का कौन है? भैया है, उसको छोटा भाई है। हाँ, वे खेल के मैदान तक गए। वो चलते चलते कहाँ पर गए? खेल के मैदान तक, यानी कि ग्राउंड तक गए। हाँ, उसके बाद देखो, गैया घास चर रही थी, बैल खड़ा था। यानी कि जो गाय है वो क्या कर रही थी? घास खा रही थी, और बैल वहाँ पे खड़ा था, उस मैदान पे खड़ा था। पेड़ पर मैना गा रही थी। तो ये जो पंछी है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, ये कौन सा पंछी है? मैना। और ये मैना क्या कर रही है? गाना गा रही है। ठीक है, उसके बाद नैना टहल रही थी, यानी कि नैना इधर उधर घूम रही थी मैदान में। हाँ ठीक है, भैया हरी हरी घास पर बैठा था, और इस हरी घास पे, मैदान में जो हरी घास थी उस पर जो भैया है, नैना का भैया, वो बैठ गया। वह मैना का गीत सुन रहा था। मैना किस तरह से गाना गा रही है, चहक रही है, ये वो सुन रहा था। ठीक है, नैना आई, उसने भैया से कहा, बैठ मत, चल मेरे साथ सैर कर। भैया नैना के साथ टहलने लगा। तो वो ग्राउंड में जाने के बाद ऐसे बैठ गया घास के ऊपर। तो नैना ने उसको कहा, सॉरी, तो नैना ने उसको क्या कह दिया कि भैया तुम बैठो मत, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं, तो चलो उठो, बैठ मत, चल टहल मेरे साथ, यानी कि इधर उधर घूम, चलो उठो। तो वो क्या हुआ, भैया नैना के साथ टहलने लगा। मैदान के किनारे उसे एक थैला दिखा। क्या दिखा उसको? एक थैला दिखा, जिसको मराठी में हम पिशवी कहते हैं। ठीक है, थैला दिखा। उसने थैला उठाकर ऊपर उछाला। तो वो जो थैला था वो खाली था, ऐसे ही पड़ा हुआ था मैदान में। तो उसने उसको ऊपर फेंका, उछाला, ऊपर उछाला। ठीक है, नैना ने कहा, शैतानी मत कर, यानी कि हम यहाँ पर खेलने आए हैं, यहाँ पे टहलने आए हैं, इस तरह से शरारत हमें नहीं करनी है। भैया खिलखिलाया, यानी कि भैया हंस पड़ा, हा हा करके हंस पड़ा। ठीक है, उसने थैला फिर उछाला,
वो अपने दीदी की बात बिल्कुल नहीं माना, नैना की बात उसने बिल्कुल नहीं सुनी, तो उसने वही थैला फिर से उछाला। ठीक है, थैला पेड़ की डाली पर अटक गया, तो जोर से फेंकने से क्या हो गया, वो जो थैला पेड़ की डाली पर अटक गया। देखो इस तीसरे चित्र में दिखाया है आपको, है ना। हाँ, उसके बाद क्या हो गया, मैना उड़ गई। तो ये जो था, जो उसके हाथ में थैला था, वो पेड़ पर अटक गया, पेड़ की डाली पर अटक गया, और उसी डाली पर कौन बैठी थी, मैना। तो मैना डर गई और वहां से भुर करके उड़ गई। ठीक है, भैया नैना के साथ घर आ गया। तो ये सब होने के बाद भैया ने क्या किया, फिर से उसने मैना यानी कि नैना अपने दीदी का हाथ थामा और वो उसके साथ घर में आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या किया है, आज हमने ऐ की मात्रा की पहचान की है। ठीक है, हम ऐ की मात्रा इस प्रकार लिखेंगे, ना कि इस प्रकार, ये गलत है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हमने वर्णों को ऐ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है ये देखा। ठीक है, उसके बाद हमने 50 पेज नंबर पर, हमारी किताब के 50 पेज नंबर पर 1 से लेकर 20 तक 2 वर्ण के शब्द, 3 वर्ण के शब्द और 4 वर्णों के शब्दों को अच्छे से अध्ययन किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक कहानी भी देखी है जिसका नाम है सैर पर गई नैना। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे की जो पढ़ाई है वो हम करेंगे बाद में, इसके बाद हमें अभ्यास छुड़ाना है ना, हमें वर्कशीट भी छुड़ानी है, क्लास टेस्ट छुड़ानी है, तो ये जो अभ्यास है वो हम बाद में करेंगे, आज हम यही तक पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी अच्छे से गुड हैंड रीटिंग में आपके नोटबुक में अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और ये कहानी जो है सैर पर गई नैना, ये आपको 2 बार पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है, 2 बार। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।